अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तां सोफिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ हमेशा अगर खड़ी इंदा आयो। इन दफे थोड़ो चेंज कियो पिया, गेस्ट असा सा गड़ाइन, सोनिया असा सा गड़ाइन, पहरी भी अची चुके हैं, बेकिंग में एक्सपर्ट आइन, काफ़ी सुठी शयूं ठाही वयूं आइन। तो अजो की रेसिपी भी तमाम मज़ेदार ठहे पी, वो असा सोनिया का पुछंदासी, उन सा गड़ बुधाइंदो। हालांकि एनएक्स असा सा गड़ एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब शयूं अवेलेबल आइन, तां वठी सको था। उनके अलावा समर रस आहे ड्रिंक, तमाम बेहतरीन आ। इन मां 25 गिलास ठहंदा आइन, 800 ml मां इन मां 25 गिलास ठही वेंदा आइन। इहा तां वठी सको था, हाई क्वालिटी रिफाइंड। इन में खंड पयल आ, शुगर पयल आ, जंहिंखा तव्हां जी तबियत बिल्कुलु सही रहंदी, भारीपन न थींदो। तमामु बहितरीन इहा रेसिपी हिन मां ठाही सको था रमज़ान में, ठीक है। ही रमज़ान के लिए तमाम बेहतरीन ड्रिंक आए, इन में तां काफ़ी सारा शरबत मां तव्हांखे डिफरेंट किस्म जा ठाहिण सेखारंदमि। ऐं आज की हम जो रेसिपी बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ बनाई थी। इस दफ़ा गेस्ट हमारे साथ हैं और रमज़ान की भी चीज़ें आपको बनाते सिखाते आ रहे हैं, तो आज भी रमज़ान की एक मज़ेदार रेसिपी बनेगी, साथ एक डिज़र्ट बनेगी। सोनिया हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसी हैं आप? पहले भी आ चुकी हैं हमारे प्रोग्राम में और मज़ेदार रेसिपीज़ बना के, बल्कि आपने बेकिंग की थी ना शायद? हाँ, बेकिंग की थी इन्होंने। तो आज भी हमारे साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हैं। एक रेसिपी हमारी है रमज़ान के हिसाब से, जो चिकन में बनेगी, शायद स्मोक्ड योगर्ट चिकन, जो आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं, दही के साथ बनेगी, ठीक है। साथ हम डिज़र्ट कौन सी बना रहे हैं? बनेगा स्ट्रॉबेरी आइस केक। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और सीज़न भी है स्ट्रॉबेरीज का, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो रेसिपी है, क्या नाम है? स्ट्रॉबेरी आइस बॉक्स केक। स्ट्रॉबेरी आइस बॉक्स केक ठाँदो, थदो करे तो इनके डिज़र्ट के ठाई सको था। चिकन की रेसिपी ठही पे दही से गड़, रमज़ान के हिसाब से। तो हम क्या पहले स्टार्ट करेंगे? पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। मैरिनेशन के लिए जो है, ओके, हमने यहाँ पे ट्रे में निकाल लिया है। लाल मिर्ची डालेंगे 5-6-7 साबित लाल मिर्च, साबित लाल मिर्ची है, ठीक है। लौंग 2-3 ले लेंगे, ठीक, दो है। से तीन ग्रीन ये कड़ीमम है, हाँ। और ये साबुत धनिया है, जीरा है हमारे पास, एक चाय का चम्मच जीरा है, और ये क्या, और दो चम्मच दो स्टिक हमने दालचीनी के ले लिए, और ये काली मिर्ची ले ली 15-20 ले ली, ठीक है। और ये रेसिपी है 750 ग्राम चिकन की, ठीक है, ठीक है। 750 ग्राम चिकन जी, जी, अगर 1 किलो तक जाते हैं तो फिर इसके लिए इसमें थोड़ा थोड़े से हम चीजें बढ़ा लेंगे, एक स्टिक और बढ़ा लेंगे कार्डिमम की, आधी चम्मच जीरा बढ़ा लेंगे, ठीक है, ठीक है। और है, ये सब मिर्ची वगैरह जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। अब इससे पहले हम इसको फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट करते हैं जी, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद ड्राई रोस्ट करने के लिए पैन चाहिए होगा हमें, तो पैन ले लेते हैं और पैन में हम करेंगे ड्राई रोस्ट। साबित लाल मिर्च है 8 अदद, है ना जी, और सफेद जीरा है 1 चाय की चम्मच, साबित धनिया भी 1 चाय की चम्मच है, ठीक है। और 15-20 जो है साबित काली मिर्चे हैं, 2 स्टिक हमने इसमें दालचीनी ले ली, और छोटी इलायची, और 2-3 लौंग, नहीं 2-3 है बस, 2-3 तीन छोटी इलायची और 2-3 लौंग जी, क्योंकि रेसिपी भी थोड़ी कम उसमें लग रही है, 3 पाव तक की है चिकन, ठीक है। ये रमजान के हिसाब से रेसिपी, इसको हम मैरिनेट करेंगे, जला तो नहीं आता, नहीं तो रेसिपी हम बना रहे हैं। ये लें साबित लाल मिर्च हमने ली है, ठीक है। साबित लौंगी मिर्च जो हूँ ये खड़ंदी 8 अदद, 2 अदद दालचीनी जो स्टिक खड़ा, लौंग 3 अदद, नंढा होटा जो हूँ नंढी इलायची 3 अदद, साबित जीरो इनमें वो अच्छो 1 चाय जो चमचो, साबित धाणा 1-1.5 चाय जो चमचो, इनके ड्राई रोस्ट कंदासी। ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर हम इसे ब्लेंडर में डाल के जो है ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एनएक्स में ग्राइंड करेंगे, एनएक्स में इनके ग्राइंड कंदासी, तमाम बेहतरीन प्रोडक्ट है एनएक्स की, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब हम एनएक्स का यूज़ करते हैं आपके सामने। और ये जो ग्राइंडर है बहुत ही ईजी, इसमें आप फ़ौरन ग्राइंड कर सकते हैं चीज़ें, ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगी, खुशबू आने लगे उसके बाद इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे। साथ इसमें क्या जाएगा? और इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये जो हमारे पास प्याज रखी हुई है, ब्राउन प्याज तली हुई रखी हुई, ये 1/2 कप प्याज ली थी जो फ्राई होके थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। तो आपने 1/2 कप की लेनी है प्याज, प्याज और ब्राउन प्याज नहीं लेनी, प्याज 1/2 कप होगी ब्राउन होके जो ब्राउन करना है जी। अच्छा, जैसे ब्राउन प्याज रेडीमेड मिलती है आप वो भी यूज कर सकते हैं जी, वो भी यूज कर सकते हैं आप, 1/2 कप ले थोड़ा सा कम, ब्राउन प्याज आप 1/2 कप भी यूज कर सकते हैं। ब्राउन 1/2 कप नॉर्मल प्याज आपने लिया और उसको आपने ब्राउन किया और वो यहाँ निकाल दिया, अदरक और लहसुन, ये 1 खाने का चम्मच बन जाएगा जी शेफ, ये खाने का ये मुझे देते हैं तो मैं इसको ग्राइंडर में डाल देता हूँ।
इधर रख गरम है। ठीक है, ये हमने ड्राई रोस्ट जो चीज़ें हैं जो मसालो इनके रोस्ट कर इनकी खुशबू अचे थी ढी सुी ये अस इनके अंदर विजासी। ठीक है, ड्राई अच्छा पानी भी चाहिए होगा हमें इसमें डालने के लिए। अच्छा। थोड़ा सा पहले इसको कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, ये डाल दिया जी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। नहीं, पहले इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, देखें जी अब इसमें कितना होना चाहिए अदरक लहसुन। अदरक लहसुन है इसमें 7 से 8 जवे लहसुन के हैं और है। एक इंच की अदरक ली है। उफ, मसाला एकदम हुआ ना गरम स्पाइसी मसाला हमने जो रोस्ट करके पीसा था ठंडा करके कीजिएगा। और ये भी डाल दीजिए साथ दे ही ब्राउन अनियन डाल देते हैं। पानी जाएगा थोड़ा थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि ये पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालूंगा ताकि इसमें पेस्ट बन जाए। बखा ट्रे खाण जा चमचा काफी है बस। ठीक है, ये जो पेस्ट बन गया इसको आप डालेंगे चिकन में। जी जी, अभी इसमें हम टमाटर को भी ग्राइंड करेंगे। इसी के साथ करना है या अलग से करना है? पेस्ट बनाना है टमाटर का। टमाटर का ठीक है, इसी में कर देते हैं। इसी में डाल आएगा इसकी क्वांटिटी। इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, जूसर में जग में। टमाटर कितने? 2 अदद छोटे टमाटर यानी के भी ताँ पीसे सर छोटो या उखली मरी में कटे होते हैं। क्विक रेसिपीज बन जाती है। ठीक है, क्विक बन जाता है ये, फौरन हो जाता है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, 750 ग्राम चिकन है हमारे पास। ठीक है, 750 ग्राम चिकन है। कुछ चाहिए आपको? जी स्पून चाहिए। ठीक है, 750 ग्राम हमने चिकन लिया और इसमें जो पेस्ट बनाया था वो आपने डाल देना है। ये ले लें, पेस्ट डाल दिया था और उसके साथ जो प्याज था, अदरक लहसुन था, ड्राई मसाले थे, उसको रोस्ट करके ड्राई मसालों को ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद फिर आपने डोर क्लोज करी, अदरक लहसुन का पेस्ट, दरवाजा बंद कर चलो, और फिर जो प्याज हमने करी थी वो डालनी है। ठीक है, इसको अच्छे से फिर ये भी डाल दो। जी शेफ, ये टमाटर का पूरा पेस्ट आ गया। पेस्ट डाल दिया हमने इसमें। ठीक है, टमाटर का पेस्ट डाल दिया और जितने मसाले थे दही रखा है, दही आधा कप इसमें जाएगा और 1 कप जो है जब हम कर लेंगे तैयार उसके बाद उसमें जाएगा। दही हमारे पास कितना है? दही हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आधा कप जाएगा इसके अंदर। आधा कप दही। ठीक है, दही और सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसको हाथ से कर देता हूँ, ग्लव पहन कर ना अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगी। अच्छी तरह आपने सारे मसालों को, अब क्या क्या डालते जाएंगे अब इसमें? बस ये डाल के नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है इसमें, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम। ये अच्छी तरह हमने मैरिनेट करना है चिकन को, जितना अच्छा मैरिनेट करेंगे इतना। और कितनी देर रखेंगे इसको वैसे? इसको 30 से 40 मिनट्स रख दें आप फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे से जो है चिकन के अंदर सब चीज़ें चली जाएं, टेस्ट आ जाए। ठीक है, अब कुछ मिलाना है इसमें? नहीं बस, बस इसको आपने 30 मिनट 40 मिनट फ्रीज़र में रख देना। ठीक है, ताकि अच्छी से मैरिनेट हो जाए। अब इसको पतीले में चढ़ाएंगे जी, ऑयल लेंगे या डायरेक्ट दही में? ऑयल कितना? नहीं नहीं, ऑयल डालेंगे इसमें। पहले ऑयल इसमें डालेंगे 1/3 कप। ठीक, काफ़ी है बस। टेबल स्पून से मैम 6 से 8 टेबल स्पून बन जाए। जी जी, ठीक है। 6 से 8 खाने जा चमचा इतने ऑयल खाए। ऑयल में आपने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया जो है, ग्लव्स हैं शायद, एक एक करके डालेगा इसका जो है ये बाद में डालेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उन्हें का पई ताई सामू जेकर रेसिपी ठई पे ब्रेक अची वियो त असां हथ रोके छॾियो। ठीक है, ब्रेक पे चले गए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑयल यहाँ पे गरम किया था 1/2 कप जितना ऑयल गरम किया, और ये जितनी मैरिनेटेड चिकन है इसमें से सिर्फ चिकन अभी सिर्फ चिकन निकाल के हमने इसमें फ्राई करनी है 5 से 6 में, आगे पीछे दोनों तरफ से करनी है। ठीक है, और उसके बाद कितनी, जब कलर ब्राउन हो जाए या बस 5 से 6 मिनट जो है ना अलट पलट करके, फिर ये जो मैरिनेशन का जो है हमारे पास बचा हुआ सामान सारे इसमें डाल के फिर इसे 20 मिनट पकाएंगे। ठीक है, ये निकालनी है मैंने
चिकन के पीसेस जो फ्राई करके ये वापस निकालने नहीं नहीं निकालने नहीं है, इसी के अंदर ये वापस जाएगा। अच्छा, सिर्फ चिकन के पीसेस हमने फ्राई करने हैं। चूल्हा बहुत जज्बाती हुआ, इतनी ज़्यादा फ्लेम आ रही है। ठीक है, मुर्गी जहाँ जो पीस है ना ये सजा कटी तुम पहले फ्राई कौ और जो मसालो है मैरिनेटेड वो इनके अंदर छड़ी वो। ढी सुी रेसिपी है, रमज़ान के हिसाब से ये रेसिपी तमाम बेस्ट है। ठीक है, और वैसे भी ये रेसिपी आप आइंदा भी आपके पास काम आएगी, या हमेशा लिख के रखा करें, अच्छी अच्छी डिफरेंट रेसिपीज होती हैं। रेसिपी है, जल्दी बन जाएगी। हाँ, रमज़ान में तो वैसे कितना काम होता है, बंदा जल्दी जल्दी बनाए। मैरिनेट करके आप दिन में ही रख दें, फिर शाम में ही बनाएंगे। ठीक है, अब इसका मसाला रह गया इसके अंदर, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई 3 से 4 मिनट। ये देखिए टोंग मैंने मंगा लिया, तो ठीक है। ठीक है, चिकन के इतने फ्राई कन पे बस इनके पलटाइंदा वन जो फ्राई कंदा वन जो जो मसालो बॉल में रहती हुआ वो तहाँ छड़ी वठन दो। ठीक है, जो बॉल में मसाला रह गया वो आपने छोड़ देना, वो मसाला आप छोड़ देंगी। उसको हम 5 से 7 मिनट बाद फिर इसमें डालेंगे, जब कलर भी चेंज हो जाएगा चिकन का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करना है, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, फिर ये मसाला इसके अंदर जाएगा। और दही हमने जो यहाँ पर कितनी ली है टोटल दही, टोटल जो है ये 1 पाव दही जो है इसकी तब जाएगी जब ये तैयार हो जाएगा, आधा पाव इसमें लेंगे, तो 1.5 पाव दही हमने यूज़ किया, यानी 750 ग्राम में चिकन में 1.5 पाव दही है। जी, ठीक है, 1.5 पाव दही है, 3 पाव चिकन में। ठीक है, अधो अधाए दही के हिसाब। रेसिपी का नाम ही दही से है, दही वाली चिकन, तो वो योगर्ट जाए की बात है, उसमें फिर ज़्यादा जाएगा। ठीक है, चिकन इसमें फ्राई होता जा रहा है, जो मैरिनेटेड था चिकन वो निकाल दिया था, साथ ही हम इसका पानी भी रख दें गरम करने के लिए। जी सर, कितना पानी चाहिए होगा? थोड़ा सा चाहिए होगा इसके अंदर। ठीक है, डिजर्ट अंदाज़े से डालेंगे इसमें। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से? ये जो आप रेसिपी बता रहे हैं ना फैसल भाई, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा, मेरी थोड़ी मिस हो गई है। ठीक है, सोनिया आई है हमारे प्रोग्राम में, ये रेसिपी बना रही है, तो मैं इनसे बोलता हूँ पूरी रिपीट करा देंगी। ठीक है जी जी, आप इन्हें कह दीजिएगा कि एक बार फिर से रिपीट करवा दें। ठीक है, और आप जैसे बताते हैं ना बार बार वैसे बताइएगा, थोड़ा मेरा मिस ना हो जाए। क्या चीज? बार बार जैसे बताते आप जैसे बताते हैं ना बार बार वैसे बताइएगा, मेरा थोड़ा मिस ना हो जाए। अच्छा ठीक है, आप टीवी की तरफ जाए, अभी रिपीट करा रहे हैं। ठीक है जी जी, चले ठीक है, बहुत ओके जी, अल्लाह। अच्छा, चिकन हमने लिया था, मैं बता दूँ, मुझे याद हो गई है, याद हो गई। हाँ, 750 ग्राम चिकन था। ठीक है, उसके साथ 1.5 पाव दही आपने लेके रखना है, बीट करके साइड में रख दिया। साबित लाल मिर्च हमने 6 से बता दीजिए कहीं मिस हो जाए, साबित लाल मिर्च हमने 8 अदद ले लिए, 2 से 3 अदद लौंग ले लिए थे, 3 अदद छोटी इलायची ले ली थी। ठीक है, और दालचीनी की 2 स्टिक ले ली थी, सफ़ेद जीरा, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच, और सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, साबित लाल मिर्च 8 अदद, लौंग 3 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, दालचीनी 2 अदद, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच। इनको रोस्ट किया, इनको हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ग्राइंडर में डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर आपने जो 2 टमाटर छोटे लिए छोटे वो डाले, सब चीज़ें ग्राइंड कर दी थी जी, वो ये सब चीजें चिकन में डाल दें। ठीक है, आधे घंटे के लिए, और इसको फ्रिज में रख देना। ठीक है, लहसुन के जवे कितने थे? 7 से 8 लहसुन के जवे थे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। ये ड्राई करके मसाले जो थे, ड्राई मसाले, साबित मसाले, उसको तवे पे आपने रोस्ट करना है, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के पीस लें। उसके साथ आपने ब्राउन प्याज भी पीसा था, 1/2 कप जितना ब्राउन प्याज पीसा था, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और लहसुन के 6 जवे 7 जवे पीस के पेस्ट बन गया, वो आपने निकाल लिया। फिर 2 टमाटर का पेस्ट भी इसी में मिला के बना के वो आपने चिकन में डाल के मैरिनेट किया। उसके बाद आपने नमक डाला था, नमक कितना किया था? नमक हस्बी जरूरत, 1 चाय का चम्मच जितना। हाँ, और कुछ तो नहीं डाला था, हल्दी वगैरह कोई चीज़ ऐसी? हल्दी अभी नहीं डाली, हल्दी हम डालेंगे, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमक डाला था। मैरिनेशन करके आपने रख देना है 40 मिनट फ्रिज में या फ्रीजर में रख देंगी। उसके बाद ऑयल गरम किया था 1/2 कप जितना या उससे थोड़ा कम लेके, फिर चिकन की पीसेज उठा के मसाला छोड़ देना है बॉल में। देखे मसाला ये अब डाल रही हैं, चिकन के पीसेज आपने क्या करने हैं, एक एक करके डाल देना है, सारे फ्राई हो जाएंगे 7 से 8 मिनट। उसके बाद अब ये इन्होंने जो मैरिनेटेड मसाला था वो डाल दिया, मसाला डाल के अब क्या करेंगे, इसको मसाला डाल के इसमें हमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, 1/2 चम्मच, 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई, और पेपरिका पाउडर है 1 छोटी चम्मच। अगर पेपरिका पाउडर नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करना है। ठीक है,
कलर देने के लिए। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच आपने यूज़ कर लेना, ठीक है। कश्मीरी गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चम्मचो या हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून डाल दिया, ठीक है। ये दो चीज़ें डाल दी थी, नमक पहले डाल दिया था। अब इसको कितनी देर भूनेंगे? अब इसको हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट ये पकता रहेगा। इतने हम अपना जो है स्ट्रॉबेरी का इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है चिकन का, ठीक है। इस तरह से चिकन ये पूरा मसाला डाल के, पहले चिकन को फ्राई किया उसके बाद वो मसाला डाल दिया। अभी दही आपने इसमें ऐड नहीं किया? नहीं, ठीक है। वो बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के टाइम पे जाएगा। ओके, इसको कवर कर दूं? जी, ठीक है। कवर लिड लगा के इसको आपने छोड़ देना है। बहुत ईजी और बहुत ही, कितनी देर पकेगी ये? अब ये शेफ 15 से 20 मिनट जब ये गल जाएगा। ओके, 15 से 20 मिनट ये पकता रहेगा जब ये गल जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिज़र्ट की तैयारी करनी है। मीठा बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट सा, और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, गेस्ट आते हैं उनके लिए। यहाँ पे ये क्या है, हमने लिया जेली पाउडर, जेली पाउडर लिया स्ट्रॉबेरी का, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का डिज़र्ट है तो पूरा जो एक पैकेट मिलता है जेली का, वो पूरा एक पैकेट हमने इसमें 80 ग्राम का होता है वो डाल दिया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके वार्म वाटर ऐड, गर्म पानी डालना है। पकानी नहीं है जेली, जमाने के लिए हम पकाते हैं, वैसा नहीं करना है। आपने एक पैकेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली ली, उसमें गर्म पानी एक कप के करीब जाएगा? एक कप नहीं, बस इतना कि ये अभी गाढ़ा हो जाएगा, बस हमें इसको लिक्विड थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। एक कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ये जो है इसमें जिलेटिन जो डला हुआ है वो सॉफ्ट हो जाए और ये थोड़ी सी जेली टाइप। 3-4 टेबल स्पून पानी गया मैं? जी जी जी, इतना ही, ठीक है। जेलेटिन जो इसका ये जमना शुरू हो जाए, थोड़ा लेस सी बन जाएगी इसके अंदर ना, इसको थोड़ी देर हमने यहाँ छोड़ देंगे। स्ट्रॉबेरी जो पैकेट खाओ, जेको जेली जो पैकेट मिलंदो स्ट्रॉबेरी वारो हो तां खणंदो, स्ट्रॉबेरी जेली पैकेट तां खणी हिकड़े प्याले में विझंदो, 4-5 खाणे जो चमचा गरम बॉयल पाणी में मिलाईंदो, हू घाटो पेस्ट ठही वेंदो। उनके थोड़ी देर छॾे ॾियणो, थोड़ी देर छोड़ दिया। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो पाउडर मिलता है जेली का, जेलेटिन वाला, वो उसमें आपने 4-5 टेबल स्पून गर्म पानी डाल के उसको डिसॉल्व करना है, वो जेली से बनना शुरू हो जाएगी, जेलेटिन बनेगी। ये आपने छोड़ देना है थोड़ी देर। अब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आपने कितना लिया? अभी हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ये तकरीबन 400 ग्राम है, 400 ग्राम स्ट्रॉबेरी है। अब इसमें हमने शुगर चीनी डाल के इसको मिक्स करके रख देना है। चीनी आप कितनी ले रही हैं इसमें अंदाजा? चीनी अंदाजे से अपने जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो ज़्यादा, हाफ कप नहीं है, हाफ कप से भी काफ़ी कम है ये सब, 4-5 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है स्ट्रॉबेरी, 4-5 खाने का चमचा स्ट्रॉबेरी हली भाई, ठीक है। और सॉरी चीनी चली गई स्ट्रॉबेरी में, 400 ग्राम स्ट्रॉबेरी थी, ये हमने साइड में रख दिया है ताकि स्ट्रॉबेरी हमारी मिक्स हो जाए, इसके अंदर पानी छोड़ेगी चीनी और स्ट्रॉबेरी आपस में, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्रीम ली हुई है, ये कितने पैकेट हैं? आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, हैवी क्रीम, ये विपी विप क्रीम नहीं है जो केक्स में जाती है, ठीक है। ये जो है हैवी क्रीम है, ऑल फॉर टी, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। लेना किसी भी कंपनी की आप हैवी क्रीम ले लें, बस जो छोटे पैकेट आते हैं, जॉब के पीछे पड़ी नाम नहीं लेना ब्रांड किसी भी ब्रांड का आप ले लें, 3 पैकेट फ्रेश क्रीम ले लें या हेवी क्रीम जो मिलती है वो आपने ले लेना, उसको बीटर से बीट करना। मैं कर दूं? जी सर, ठीक है। 3 पैकेट के भी कंपनी जा तक खड़न दो, बीटर से इनके बीट कर दो, ठीक है। इसको आपने बीट करना है, कितनी देर बीट करना है इसको? बस ये फ्लफी हो जाए फिर इसके अंदर हम ऐसे, लेकिन ठंडी करके करेंगे तो वो फ्लफी सी बनेगी ना, फ्रीज़र में रख दें, ठंडी हो जाए, जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी बनेगी। अच्छा, जब हम इसको बीट करेंगे ना तो इसको एक बाउल लेना है, उस बाउल के अंदर आइस होनी चाहिए, आइस क्यूब डाल के फिर आपने ये उसके अंदर बाउल रख के उसको बीट करना है, ठीक है। और अगर या तो फिर आप फ्रीज करके भी कर सकती हैं? नहीं नहीं, आइस इसको जो है नीचे आइस, एक इतना बड़ा बाउल हो जिसके अंदर फुल आइस से भरा हुआ हो, ठीक है, उसके अंदर ये बाउल रखें, ये बाउल रख के फिर आपने बीट करना ताकि चिल्ड होके और अच्छा सा हो जाए, ठीक है। अब ये हो गया, बस हो गया। 3 पैकेट फ्रेश क्रीम लिया था, इसको अच्छी तरह बीट करना है, नीचे आइस क्यूब्स लगा के पतीले में या उसमें, उसके बाद आपने इसमें करना है। अब इसमें हमने आइसिंग शुगर है, ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम। आइसिंग शुगर नहीं है तो चीनी को पीस के डाल, चीनी को पीस के डाल दें। कितना? 1 कप में थोड़ा सा कम, 1/4 कम करना, ठीक है। 3/4 जी जी, 3/4 हो जाएगा। 1 कप से 4 टेबल स्पून आप निकाल दें। जी जी जी,
इतनी आपके पास पिसी हुई चीनी होनी चाहिए पाउडर फॉर्म में। ये आपने मिला दिया, ठीक है। चिकन हमारा पक रहा है, ये डिज़र्ट हमारी तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर चल रहा है। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, विक्स ले लूँ आपको, इससे कर लें सही से। अच्छी तरह क्रीम में एक कप से चार टेबलस्पून कम आपने ले लेने हैं आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर नहीं तो पिसी हुई चीनी को ग्राइंड करके डाल दें। इसको अच्छी तरह मीठा करना है, मिक्स करेंगे पाउडर फॉर्म में चीनी तो बहुत अच्छी डिजोल्व होगी, अदरवाइज दाने वाली होगी तो डिजोल्व नहीं होगी। अभी ये क्रीम मीठी हो गई हमारी, कर लिया। अभी इसे दो बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, एक अलग में जिसमें हम स्ट्रॉबेरी का ये जो पेस्ट बनाया है ये डालेंगे। अच्छा ठीक है, ये लेना है, एक बॉल ये आ गया। इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, बैसन में इनके कन्वर्ट करना सी। ओके, और ये जो सिरप आपने रखा हुआ था ये ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब यहाँ पे जो जेली हमने डिसॉल्व पाउडर डिसॉल्व करके रखा था ये पूरा एक में मिला देना। अच्छा, एक रेड में आ जाएगा और एक वाइट में आ जाएगा। ओके ओके ठीक है। जो तीन पैकेट क्रीम के थे उनको बीट किया था ठंडा करके, उसमें आपने आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी मिला दी थी। इसके बाद उसके दो पोर्शन के, एक पोर्शन में आपने ये डाल दिया है रेड स्ट्रॉबेरी का और एक आपने वाइट रखना है। एक वाइट ही छोड़ा। ओके, बिल्कुल इजी या कोहिन में मुश्किल ना है, ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दो शेड हो गए, एक हमारे पास वाइट हो गया और एक हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में हो गया। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अच्छा, आप इसकी गार्निशिंग शुरू करें। ये हटा दूँ? जी सर, हटा देंगे। ठीक है, अब हम इसकी ये स्ट्रॉबेरीज जो आपने रखी थी वो वहाँ पे पड़ी हुई है काउंटर पर, मैं साफ कर लूँ फिर आराम से आप बनाए। अब इसको अच्छा, गौर से देखना है कि क्या कर रही हैं। ठीक है, गौर से ये पानी है, इसमें आपने चीनी डालनी है अंदाजे से अपने, थोड़ा सा पानी लेना है, सिरप है, शुगर सिरप बनाना है, सिरप बनाना है आपने बेसिकली। उसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल के थोड़े से पानी में उसे अच्छे से मिक्स करके किसी फैले हुए बर्तन में जिसमें ये पापे जले जाएं। अच्छा, अब पापे कॉल ले लें, वैसे तो पापे जो कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश है? बिल्कुल ठीक ठाक, तां बुधायो छ हाल इन तांजा? हां खैर है, खुश है। थोड़ा जोर से गलाए जो, आवाज घट पीछे तां जी। जी जी छा लें तो ठीक है, प्रोग्राम दिसो पे। जी जी कुछ चैन चाहिए तो? हाँ, मो ये फिश है आज, फिश ठाई डाली सुखी ठाई, ता ठाई ना ते ओली फिश। हाँ हाँ, कल ठाई भी ना, परी ठाई भी। हाँ आते हो दी, ते ओली है। जी जी बिल्कुल, आज दी जो ठाई है इलाही सुखी ठाई। मेहरबानी, तमाम घनी मेहरबानी, थैंक यू। शुगर सिरप बन गया, एक कप पानी, उनमें 6 खाने के चम्मच खंड भेजी, जो सिरप ठाई छोड़ो। अब आप क्या डाल रहे हैं? स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया हमने, स्ट्रॉबेरी एसेंस मिल जाता है। ये बॉटल थोड़ा दिखा दें सामने इस तरह करके, ये देखिए इस साइड पे, ये देखिए इस तरह की बॉटल होती है, छोटी स्ट्रॉबेरी एसेंस होता है, ठीक है, ये कलर में इसी में मिल जाएगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स करा ताकि ये जो एसेंस डालने का मकसद ये है कि ये पापों के अंदर जो हम डाल रहे हैं ठीक है, फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का ये दे। ठीक है, ये आपके हो गए पापे। पापे जो हम नॉर्मल लेते हैं घर में, कितने अच्छा, लेने पापे जो है ये आराम से मिल जाते हैं, और इस रेसिपी में आप पापे भी डाल सकते हैं, और लेडी फिंगर जो बिस्किट्स आते हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पापे इजी है, इसकी जगह मैंने उसको हटा के पापे यूज करें। तो और इसको हम ये भी बता दूं कि फ्लैट बॉल मेरे पास नहीं था तो हम ये यूज कर रहे हैं, वरना चौड़ा हो बॉक्स की तरह बॉल होगा ना तो वो ज्यादा, ये आइस बॉक्स केक का ठीक है, स्क्वायर शेप में होना चाहिए, स्क्वायर शेप में बॉक्स होना चाहिए, इसकी प्लेटर होना चाहिए, हमारे पास राउंड है तो हम इसे यूज करें। अच्छा, ये पानी में सर डिप करती जाएंगी सिरप में और निकालते जाएंगे पापों को तोड़ के, वरना पूरा भी रख सकते हैं अगर बड़ा, अगर बॉक्स होगा तो बड़ा है प्लेटर तो उसमें आप पूरे पूरे पापे, अगर पूरा आ रहा है तो आप पूरा रखेंगे और वरना जो है आप उसको तोड़ के थोड़ा सा कर सकते हैं।
अभी इसमें तो सिर्फ तीन ही आ पा रहे हैं मुश्किल से। ठीक है, हमने ये डाल दिया। अच्छा, ये डालने के बाद हम ये वाला डालेंगे, वाइट वाला, वाइट वाला क्रीम। हे विजन का वो अच्छी क्रीम जेका बीट कहीं भी हे जाना, सिर्फ वाइट क्रीम डाल दी। ठीक है। अच्छा, पापों के भी लेयर्स आएंगी इसमें? पापों की लेयर्स आएंगी, अगर फ्लैट वो होता तो फिर होता। आराम से जो है पापे की लेयर्स आ जाती। अभी हम देखते हैं, अगर हो गया तो जरूरत पड़ी तो। ठीक है, लेयर। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है 400 ग्राम आपके पास, और इसमें आपने चीनी मिलाई थी कितने टेबल स्पून? चीनी हमने मिलाई थी इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी मिला के रखी थी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ज़बरदस्त सी इस तरह पापों की लेयर बिछाई, क्रीम बिछ उसके ऊपर लेयर डाल दी, उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरीज डाल दी। और ये रेसिपी ऐसी है कि हर कोई घर में बना सकता है। अगर आप इसे पूरी ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये बिल्कुल केक की तरह ही बन के निकलेगा और टेस्ट आएगा केक का, आइसक्रीम का। मैं आज ही जाके घर बनाऊंगा। बिल्कुल, बहुत मज़े की रेसिपी है और बच्चे भी शौक से खाते हैं फैमिली में, और रमज़ान में आप ये इफ्तारी में भी रख सकते हैं इस तरह की डिजर्ट। स्पेशल वो लेडीज़ जिनको बेकिंग नहीं आती है, उन्हें शौक़ होता है हम घर में बनाएँ, तो ये इतनी ईजी रेसिपी है कि वो आराम से, बच्चों को भी शौक़ होता है कि हम ये आइसक्रीम वगैरह मम्मा बनाएं। आइसक्रीम भी हर किसी से नहीं बन पाती, नहीं बनती, सही बात है। तो ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसा, ये हार्ड हो जाएंगे, ये सॉफ्ट होके बिल्कुल केक के स्पंज जैसा वो देगा, और क्रीम और ये सब मिक्स होके आइसक्रीम का ही टेस्ट आएगा इसमें। ओके, इसलिए मैं बेकिंग से थोड़ा हट कर लेकर आई हूँ आज के, जो लोग बेक नहीं करना आता उन्हें ये शिकायत। स्ट्रॉबेरी के कपकेक्स भी बनाए थे और एक स्ट्रॉबेरी केक आपने बनाया था, दो प्रोग्राम आपने पहले भी किए मेरे साथ। पिज़्ज़ा बनाया था, लज़ानिया बनाया था, और एक शेक बनाया था मेरे ख्याल से। जी कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैंगो मूस के। वालेकुम सलाम। फैसल बात कर रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी कुछ कहना चाहेंगी? किसकी फरमाइश है? चने की दाल की फरमाइश तो शायद पहले भी, चने की दाल का हलवा। हेलो, टीवी का वॉल्यूम आपका बढ़ा हुआ है, दोबारा कॉल कीजिएगा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, हाथ हम यहाँ रोक देते हैं, ये बाद में ब्रेक के बाद आके हमने क्या करना है इसका सारा ब्रेक के बाद बताएंगे। बट देख लीजिए शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप हो चुके कंट्री का। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई असां हथ रोके छॾियो ताकी तव्हांखे ॿुधायूं। हाथ रोक दिया था, एक लेयर बना दी थी, अब क्या करेंगे इसको? अब हम दोबारा इसमें जो है ये डालेंगे सेकंड लेयर। अच्छा, उसी सिरप में दोबारा अपने पापा उठाना है जी, और डिप करना है। और एक लेयर हमने स्ट्रॉबेरी की डाली थी क्रीम के बाद, अब इसके ऊपर फिर पापे की लेयर रखनी है। ठीक है, सिरप में डिप करके आप इस तरह रखते जाएँ। ये दूसरी लेयर आ गई, पापे तोड़ के सेट करके जितनी आपके पास स्पेस हो उस हिसाब से पापे। अगर आपके पास स्क्वायर होगा तो बहुत अच्छा लुक भी आएगा, और आराम से जब आप उसे कट करेंगे तो पूरा पीस निकलेगा, रख के तो वो बिल्कुल केक की तरह एक पीस निकल कर की तरह निकलेगा। इसको आपने स्क्वायर बॉक्स में मींस के प्लेटर में डालना है जो होता है, ताकि वो जब आप कट करके 24 घंटे आप इसको फ्रिज में रख के निकालेंगे तो पूरा केक की तरह पीस बाहर आएगा। जी जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बेटे, क्या हाल है? ठीक ठाक अफरोज आंटी, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने पता नहीं किसकी दुआ से बचा लिया। बस मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मेरे पैर के अंगूठे में ना चोट लग गई थी, आपको पता है डायबिटिक जी, 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 को अल्लाह बहुत मुश्किल होता है बेटा। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बहुत करम है, बहुत 70% सही हो गया, बस बुखार भी था। अच्छा, मैं समझा शायद आप लाहौर वगैरह गई हुई हैं। नहीं तो लाहौर जाती तो मैं फोन ना कर सकती थी, फोन ना कर सकती थी। लेकिन मैंने आपको कॉल की थी एक दिन, उस दिन असल में मैं जॉब पे था वहाँ रेस्टोरेंट पे, तो मैं इतना बिजी था कि मैं कहा कॉल बैक करूंगा, फिर रात इतनी हो गई थी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं 12 के बाद कॉल करता, फिर वो दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं बेटा, आप सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। प्रोग्राम देख रही हैं?
अरे यही तो मसला हो गया, मेरी तो केबल वाले से इतनी लड़ाई हुई है, एक महीने से है ही नहीं हमारे उससे ये सिम टीवी। अच्छा आज गेस्ट तो है मेरे साथ, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा बेटा बिल्कुल। अच्छा आज गेस्ट है मेरे साथ सोनिया, तो अच्छा। हाँ पहले भी आ चुकी हैं, बेकिंग करके गई हैं, लज़ानिया वगैरह काफ़ी चीज़ें, आज भी बड़ी ज़बरदस्त डिज़र्ट बना रही हैं ये। अच्छा अच्छा मैं भी यूट्यूब पे देखूंगी, मैं रोज़ शाम में देख लेती हूँ। ठीक है देखिएगा यूट्यूब पे, लेकिन मुझे वो टीवी स्क्रीन वाला मज़ा नहीं आता, वो नहीं आता। सही बात है, नहीं नजर आती। सही बात है, टीवी स्क्रीन का अपना ही मज़ा होता है बिल्कुल। खैर हमें तो, मुझे तो ये होता है यहाँ पे तो सिर्फ कैमरा में को मैं देख रहा होता हूँ, स्टूडियो में मैं अकेला होता हूँ, लेकिन मुझे जब घर जाके रिपीट में कभी देखता हूँ तो फिर मुझे अंदाजा होता है कि इतने लोग मुझे देख रहे होते हैं। बिल्कुल ही देख रहे होते हैं भैया, आप हमारे पसंदीदा शेफ हैं बेटा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। के साथ रखिए अपनी गेस्ट को भी मेरा दुआ प्यार कहना बेटा। जी जी बिल्कुल, ठीक है मैं कॉल किया करूंगी। ठीक है रमजान में टाइमिंग चेंज हो जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है हाँ मैं बताना इंशाल्लाह, मैं शाम में देख लूंगी इनका प्रोग्राम। जरूर अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा पापो की एक लेयर और डाल दी हमने सिरप में डिप करके, अब क्या करेंगी? अब हमने इसमें जो स्ट्रॉबेरी जो डाली थी क्रीम। अच्छा स्ट्रॉबेरी का जो आपने बनाया था अलग से ये क्रीम में, ठीक है अब इसको टॉपिंग कर रही हैं। स्ट्रॉबेरी जो जेको मिक्सचर ठायो सिरप क्रीम में विझी, ये आपने इसकी टॉपिंग बना दी। इस तरह पूरा फिल कर देना, इन केस ये कोन नहीं है किसी के पास, इस तरह कुछ नहीं है तो फिर वो ऐसे ही लेयर डाल, स्पून से कर लें जिनके लेयर पास डाल नहीं दें। है जी बिल्कुल, स्पून से थोड़ा थोड़ा करके हाँ। और फिर स्पून से ही इसको फ्लैट कर लें, फ्लैट कर दें। ठीक है एक लेयर बना लें। चिकन को भी चेक किया आपने? जी मैंने करा कि पानी है इसमें। अच्छा ये ड्राई फॉर्म में बनेगी? अच्छा इसको आप अब फ्लैट कर देंगी, इसके बाद क्या होगा इस पर? इसके बाद अभी ये सारी दाल के इसमें थोड़ी और ये जो बचा हुआ है ये भी इसी में डाल देंगे हम। अच्छा इसको एक दफ़ा और ऊपर से करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की ज़बरदस्त सी डिज़र्ट बन रही है, सीज़न है। एक और चीज़ ये वॉश करके दें, स्ट्रॉबेरी का मैं एक और चीज़ बता दूं कि अभी सीज़न है और अब तो मैं जाता हूं जब बाहर देखता हूं, पहले तो 600-600 रुपये किलो पे आई हुई थी, आजकल 200-200 रुपये किलो की चीख रहे होते हैं कि 200 किलो में ले जाएँ, 150 रुपये किलो में ले जाएँ, क्योंकि सीज़न जा रहा है तो ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं रख के बाहर। आप स्ट्रॉबेरी लें, ठीक है स्ट्रॉबेरी को वॉश करें, इसकी स्टिक जो ग्रीन वाली वो हटा दें, साबित रखना चाहें या क्यूब्स में बैग्स बनाएं, शॉपर्स होते हैं जो दूध वाले के पास थैलियाँ मिलती हैं उस तरह की ले लें, या जिप लॉक होते हैं उसमें पैकेट्स बना बना के आप फ्रीज करें, पूरा साल आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें आइसक्रीम में डिज़र्ट्स में किसी भी चीज़ में बाहर रखेंगी सॉफ्ट हो जाएंगी, आप उसके शेक्स बनाएं। स्ट्रॉबेरी बहुत सस्ती है ये करें, मैंने भी बहुत सारी लेके, डीप फ्रीज़र है मेरे पास घर में तो उसमें मैंने काफ़ी सारी रखी हुई है लेके, सस्ती हो रही है तो आप भी लें रखें, क्योंकि बच्चों को हम देते हैं शेक्स बना के, डिज़र्ट्स बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में हम ही बनाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी आप लेके इस तरह सेव करें बहुत सारी। ठीक है कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी जी फैसल मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, आपको एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए, कौन से सिटी से बात कर रहे हैं जी? कौन से शहर से बात कर रहे हैं? सांगर से। कहाँ से? सांगर से। सांगर से। ठीक जी, क्या फरमाइश करनी थी जी? समोसे और पकोड़े की फरमाइश करनी थी। इंशाल्लाह पकोड़े तो फर्स्ट रमजान को बनेंगे, टाइम पीछे चला जाएगा, 3 से 4 होगा या 2.5 से 3.5 होगा, कोई पता नहीं टाइम, लेकिन पीछे जाएगा, मैं 2 दिन पहले बता दूंगा नेक्स्ट वीक, तो उसमें फर्स्ट डे पकोड़ों का पूरा प्लेटर बनाऊंगा, डिफरेंट किस्म के पकोड़े बनते जाएंगे फर्स्ट वीक में, आप लोग देखिएगा। ठीक है जी भाई, इंशाल्लाह। और समोसे भी बनाऊंगा 2-3 किस्म के। ठीक है ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ये हो गई डिज़र्ट, ये पूरा क्रीम डाल दिया, अब वाइट वाला जो पार्ट बचा के रखा था वो आपने पूरा डाल दिया। ये अभी तो आपको ऐसे समझ आ रहा होगा कि लेयर्स डाल रही हैं, जब ये काट के आप 24 घंटे रखने के बाद निकालेंगे, जैसे पेस्ट्री होती है, एक का पीस होता है पेस्ट्री होती है, उस तरह लेयर्स नजर आएंगी इसमें आपके, पापों के पापे सॉफ्ट हो जाएंगे केक की तरह,
स्ट्रॉबेरी की लेयर आएगी और ये केक बिल्कुल आपको केक वो आइसक्रीम जैसा टेस्ट आएगा, इसलिए इसका नाम आइस बॉक्स केक है। केक भी आइस बॉक्स केक, ठीक है। ये हमारी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बन रही हैं और इसको आप लोग ने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, ये अभी तो ये क्रीम जो है सॉफ्ट लग रही है, लेकिन आप जब इसको डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालेंगे और फिर बीट करेंगे और जो मैंने बताया आइस क्यूब का बॉल होगा उसके अंदर आपने दूसरा बॉल लेना है, नीचे आइस क्यूब हो ऊपर बॉल हो फिर बीट करिएगा, ताकि ये क्रीम इतनी जो है अभी लिक्विड फॉर्म में है ये थोड़ी थिक होगी और ज़्यादा, तो इसका और अलग ही लुक आएगा। ठीक है, चिकन ऐसा ही ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास तो खैर ये था सीरप घर में, लेकिन जो है आप इसमें यूज़ करेंगे वो जो मैंने आपको स्ट्रॉबेरी का बताया है, स्ट्रॉबेरी का जो अभी हमने जेली लेके स्ट्रॉबेरी की जेली लेके जो हमने अभी करी थी वो मैंने सारी अपनी क्रीम में डाल दी, लेकिन आपने उसमें से थोड़ा सा 5-6 चम्मच के करीब बचा लेना है और उसको ऐसे ही बैग में या किसी भी चीज़ से या स्पून से टी स्पून से लेके आपने ऐसे स्प्रेड करना है उसे। ठीक है, ये हटा दूँ? जी सर, इस तरह से उसको आपने स्प्रेड करना है, बिल्कुल इसी तरह से वो स्प्रेड होगा जैसे मैंने ये करा। ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, फैसल गलाया पे? जी केड़े सिटी में केर गलाया पे? जी आ सुजाल खान गलाया भाई जी, कुछ चाहिए चाहिए दो? हां सनी शर्मा से। बिल्कुल, कहो फरमाइश। हां अच्छा है ना, छोला ठाण सिखा रहा, छोलन जी काफी सारी वैरायटी है। दोबारा बुधाए जो छापे चाहो, अगेन चाहे जो छोला छोला देखो कम कुआं में छेदा है, कुआं से छोलन जी चाट चाहो पिया, छोला चावर है, चावर है। अच्छा छोला चावर, हां हां जे में सोया वगैरह पइंदी है, ग्रीन ग्रीन छयो खारा हुंदा है, कारे चणन में पासी हुंदा है सारा छोला तो हुंदा है, जके मना हुआ पान सिर्फ साली चावल जके हुंदा है से सारो का अलग कर के ला बिरयानी होंगे, लेकिन वो मिक्स हुंदा है। ओके ओके ओके, ठीक है समझी, ठीक है इंशाल्लाह रमजान में ठाण सिखांदम। ठीक है, ऐसा है जरूर छोला ठाण सिखा रहे हैं। इंबा यो सवाल का पूछनो है। जी जी, छा पूछनो है? हां यो सा कान किलो आई था, छाशे वाली बताए जो कान फ्लोर देखो है ना वो आए था, कान फ्लोर जी अरारोट हुंदो है ना, अरारोट हुंदो है जेको कल्फ दिंदा इन कपड़न के, हुन टाइप जो ही कान फ्लोर मिलंदो दबे में मिलंदो है हर कंपनी जो, तो कौन हुंदो है ताहां जे इलाके में नथो मिले? नहीं इते मिले हुंदो सुजाल में। ताहां केड़े इलाके में रहंदा हो? सुजाल में जी कुछ भी ना विझी सको स्पेशल ठहिंदो इन करे आ। ठीक है, ओके जी, मेहरबानी, बस दुआओं में याद रखो, पांचों खोड़ सारो ख्याल रखो। ठीक है, ओके जी, ये देखें डिजर्ट बनाई है, असल में कॉल आ गई थी और दिखाया होगा इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, इसकी खूबसूरती देखें। अच्छा, ये आपने सिरप डाल के? जी सर, अगर सिरप ना हो तो हम इस तरह कोई ड्रिंक जैसे हम लेते हैं शरबत, बताया ना अभी ये मेरे पास था क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ, आप तो करती हैं। हाँ, लेकिन जो है ये जो हमने अभी जेली बनाई है ना, ठीक है उसका वो डलेगा। ठीक है, जो जेली का पानी में डाल के वो 5-6 चम्मच आपने निकाल लेने, बाकी आपने डाल के जी वो स्पून से डाल लें, या आपके पास ऐसा पाइपिंग बैग है तो आप पाइपिंग नहीं तो वो जो है स्पून से छोटी चमची से डाल के, और कोई भी अगर नहीं है स्टिक तो आप माचिस की स्टिक से, माचिस की थी जो स्टिक होती है उससे ये डिजाइन बन जाता है, और इसको पुदीने से ग्रीन लुक आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा, रेड और ग्रीन का। तो ठीक है, कोयले का स्मोक भी हमारा तैयार हो रहा है यहाँ पे, कोयला आप इसमें स्मोक देंगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दिया साइड से, चलें ठीक है। ठीक है, रेसिपी पहले हम इसे कोयले का, अब सेकंड पे आते हैं फिर इसे डिश आउट करते हैं। ठीक है, इस पे रख देती हूँ कोयला, कोयला वहाँ पे गर्म किया। हाँ, इसमें रख दें, बड़ी ले लें, बल्कि कोयला बड़ा है ना उसमें। एक प्याली रखेंगे बीच में, ठीक है, इसमें इनमें एक प्याली रखंदा सी विच में,
प्याली रखने के बाद दूसरी ले लेते हैं, इसमें स्पाइसेस हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्पून हटा दें और इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्रॉप डाल देने हैं, दो तीन ऑयल के, जहाँ से जला हुआ है ना कोयला वहाँ पे दो तीन ऑयल के ड्रॉप डाल के इसको आपने स्मोक देना, कवर 5 मिनट के लिए आपने कवर कर देना। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई शायद। अच्छा, इसके बाद आप इसकी गार्निश, ये क्या ये हटा दूँ? जी शायद ठीक है, स्ट्रॉबेरी से गार्निश कर दें। स्ट्रॉबेरी जो मैं बुधायो कि स्ट्रॉबेरी सस्ती थी भैया, वो उनके चंगी तरह धोई दो, पन्न उन हटाई छो, उनका इनके शापर में बधी फ्रीज़र में रखो, एक साल तक फ्रीज कर सको था, काफ़ी सस्तियों थियन पी हूँ, तो किलो ब किलो 5 किलो जितनी तरह जगह है वही रखो। इन जहाँ ड्रिंक्स ठाओ, रमज़ान में फ्रूट चाट खाई आयो, तो उन जगह भी स्ट्रॉबेरीज कट्टे में विझी सको, तो स्ट्रॉबेरीज ले लें, सस्ती हैं, अभी रमज़ान में नहीं मिलेंगी, फ्रीज़र में रख दें, काफ़ी दिन चलती हैं। आप फ्रूट चाट बनाती हैं तो उसमें मिक्स फ्रूट में आप स्ट्रॉबेरी भी थोड़ी थोड़ी निकाल के आप डाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे कटिंग कर रही हैं हरी मिर्चों की और ये गार्निशिंग बन रही है, प्याज अनियन के रिंग्स हैं, लेमन के स्लाइसेस हैं, तो ये वाली नाइफ ले लें मेरी, ये तेज़ है उसमें, वो आपसे चली गई, उसकी धार धार नहीं है उसकी। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदा फैसल भाई? जी जी फैसल बात कर रहा हूँ। हाँ फैसल भाई, गोटी अब्दुल हसीब गलाया पियो। अच्छा हाल इन ताजा ठीक आयो? हाँ अदा दही बोला जिला चोन, दही बोला करे खाई दो। अच्छा दही से करे देखे पियो, दही जमाने जो तरीको? नहीं नहीं दही बोला जो था दही में वो तो दही बल्ला जो ठाई दही। हाँ दही फुल क्यों दही? हाँ हाँ सही है समझिए। इंशाल्लाह रमजान जे फर्स्ट वीक में दिस जो ठीक है, बे या टे रोजे ते ठांदा। अच्छा संबोसन जे लाइक चोनो पर संबोसा तो बुदा तो संबोसा ठाया पियो को करे ठाइंदो रे, आलू जा कीमे जा चिकन जा मिक्स वेजिटेबल जा 4-5 किस्म जा समोसा ठाइंदस, हे सब शयो रमजान जे फर्स्ट वीक में ठांदियो। ठीक है वेरी मेहरबानी। अच्छा दही भला करे जो भी इंशाल्लाह ई रमजान बे बे या टे रोजे ते दिस जो। अच्छा बे ते रोजे बे या टे रोजे ते इंशाल्लाह। ठीक है ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज। ब्रेक के टाइम आ गया। ठीक है एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक ये गार्निशिंग तैयार कर रही हैं, वहाँ पे कोयले को हमने स्मोक दिया है, तो ब्रेक के बाद आके हम इसे डिश आउट करेंगे, दही इसके ऊपर किस तरह डलेगा वो सारा प्रोसेस आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। व्हाट टू टेक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजीम। ब्रेक तो उनका पेट आए सामूहिक डिजर्ट है, उधर कोयले का स्मोक दिया, यहाँ पे डिजर्ट हमारी तैयार हो गई, अब उसे डिश आउट करेंगे। मैं निकाल देता हूँ कोयला। ठीक है ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ गई है। ये कोयले को हमेशा गीला कर दिया करें पानी डाल के, कभी भी किचन में कोयला इस तरह ना छोड़ें, इससे क्या होता है आग लगने का ख़तरा होता है। ठीक है ये प्याली निकाल देते हैं, गर्म है कोयला आवाज़ें कर रहे हैं, तो इसमें पानी डाल दूँ गीला करके, फिर ड्राई कर दें वापस आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये ले लें, एक बॉल में निकालेंगे। कढ़ाई में ऑयल छोड़ देना है, उसके बाद आपने समझने की पक गया पूरा अच्छे से, और ये जो चिकन है ये अच्छे से आपकी डन हो जाए गल जाए, तो फिर आप ऑयल भी बाहर आ जाए, तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। और कोयले का फ्लेवर लाजमी देना है क्योंकि दही है ना तो बड़ा जबरदस्त है, स्मोक योगर्ट चिकन है तो इसका लाजमी आएगा, टिक्के जैसा थोड़ा फ्लेवर आएगा, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ये हो गया, अब इसको गौर से देखिएगा किस तरह इसकी टॉपिंग होगी। ठीक है इसके ऊपर इस तरह बीट करके दही डालेंगे, 1 पाव के करीब है दही, तकरीबन 1.5 पाव आपने पहले टोटल ली थी, उसमें से आधा पाव आपने चिकन की मैरिनेशन में डाली, आधा पाव उसमें डाल दी, 1 पाव हमने इसमें डाल दी। ठीक है एक दफ़ा हम रेसिपी रिपीट भी करा देंगे आपको, कहीं से मिस हो रही हो तो आप लोग नोट कर दीजिएगा। ऑनियन के रिंग्स, बहुत अच्छे लगते हैं अनियन रिंग्स इस तरह की बारबेक्यू की चीज़ों में, बड़ा ज़बरदस्त सा गार्निशिंग अच्छी सी हुई, वो तो दिल वैसे ही चाहता है चीज़ खाने का, मेन चीज़ तो होती प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। अब आपने इस पे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची हमने इसमें नहीं डाली, आपने इसमें डालनी है ताकि उसका फ्लेवर आए। सावा मिर्च भी था, बसर भी दो, लीमे स्लाइसेस रख दो,
हरा धनिया पुदीना। अच्छा, हरा धनिया भी है इसमें और थोड़ा सा आपने पुदीना भी डालना है चॉप करके। वरना अमूमन कढ़ाई में ज्यादातर हरा धनिया डालते हैं, लेकिन आपने पुदीना असल में स्मोक वाली चीज है, योगर्ट है तो उसमें बहुत ही जबरदस्त लगता है पुदीना। ठीक है, पुदीनो सावा धाणा सब मिक्स करे विझ जो, हन का फ्लेवर डाढो सुठो इंदो, लुक वाइज भी डाढी सुठी लगे भाई। ये हो गई डन और इसको हम हटा देते हैं। फिर आप यूं करें एक दफा ना चिकन की रेसिपी रिपीट करा दें। अच्छा, चिकन लिया हमने, इसमें 750 ग्राम चिकन के अंदर हमने सबसे पहले फ्राई करने वाला जो सामान है उसमें हमने डाली साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया एक चम्मच, आराम से आप बताएं तो मैं क्लियर। 5-7 हमने उसमें लाल मिर्चें ली, फिर एक चम्मच जीरे का लिया, एक चम्मच हमने साबुत धनिया लिया, 2-3 लौंग लेनी है आपने, इसमें 2-3 हरी इलायची डाली और 15-20 जितना आपको मिर्ची रखनी है, ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल नॉर्मल डाली, तो आपने वो लेके और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, फ्राई करके ड्राई फ्राई और फिर ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने जैसे वो मसाला ग्राइंड हो जाए तो उसमें आपने डालनी है, मैंने ब्राउन प्याज डाली थी 1/2 कप, वो उसमें डालनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल के सारा अच्छे से यकजान हो जाए उसको निकालना है, और फिर एक आपने 2 टमाटर लेने हैं उसके छोटे छोटे स्लाइस कर लेना है, उसको भी ग्राइंड करना है। फिर एक बाउल लें, उसके अंदर वो जो मसाला जो हमने ग्राइंड करा है वो टमाटर दही सबको अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद जो चिकन था सेपरेट बाउल में रखा हुआ उसको उसमें डाल के आपने अच्छे से मैरिनेट करके 30-40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि वो जो मसाला था वो सारा उसके अंदर चिकन अपने अंदर जब्स कर लेगा और जब आप खाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। फिर हमने करा इसको, एक बाउल में अलग से हमने ऑयल लिया था, उसके अंदर हमने चिकन के पीसेस वो पूरा मैरिनेशन वाला हमने मिक्सचर नहीं डाला, जस्ट पीसेस डाले, उसको 5-6 मिनट हमने ऊपर नीचे करा, जब कलर उसका लाइट ब्राउन सा आ गया, चेंज हो गया, तो फिर 7-8 मिनट बाद हमने उसके अंदर जो बाकी मैरिनेशन का मसाला था हमने उसके अंदर वो डाल दिया। वो डालने के बाद हमने उसमें पेपरिका पाउडर और हल्दी डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके 20-15 मिनट के लिए हमने स्लो फ्लेम में रख दिया। जब वो हो जाएगा आपने देखना है कि 15 मिनट में चिकन हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में, जब जैसे ही आपका चिकन होगा आपने उसके अंदर कोयलन लेना, उसको स्मोक लगाना है, ऑयल डाल के या जीरा डाल के जो आपका दिल चाहे फ्लेवर अच्छा आए, वो हो जाए चिकन घी छोड़ दे, तेल छोड़ दे, घी या तेल जो भी डालें वो छोड़ दे, आपने सेपरेट बाउल में निकाल कर उसको और इस तरह से धनिया पुदीना प्याज जो भी आपके घर ऊपर से गार्निश कर दें, आपने गार्निशिंग कर देना है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ही आया है समर रस। ठीक है, समर रस है, ये ज़बरदस्त ड्रिंक है, रमज़ान में आप यूज़ कर सकते हैं और रमज़ान के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। 35 ग्लास इसमें से बनते हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी इसमें शुगर है, रिफाइंड शुगर है, जिससे आपकी तबीयत में बोझलपन भी नहीं आएगा, ख़ासकर जैसे रोज़ों के में हम ज़्यादा शरबत पी लेते हैं तो अजीब सी तबीयत हो रही होती है, तो ये मैं बना रहा हूँ। समरकंद तमाम बेहतरीन है, समर रस तमाम बेहतरीन है ड्रिंक है, समर रस जी ही वठी सगोता, हाई रिफाइंड हिनमें शुगर यानी खंड पियल है जो तव्हांजी तबीयत के भी बहाल रखे तो, ऐं हिन जा 5 गिलास तव्हां ठाही सगोता, ऐं तमामु बेहतरीन थधे पाणी में हिनखे तकरीबन 3 खाइण जा चमचा तव्हां हिनखे डिज़ोल्व कंदो। ठीक है, 3-4 टेबल स्पून आपने ये डिज़ोल्व करना है ड्रिंक, और इस रमज़ान में इंशाल्लाह बहुत सारी ड्रिंक्स हैं, दूध के साथ बनाएं, लस्सी के साथ बनाएं इसको आप, बहुत ही परफेक्ट बनती है, आइस क्यूब्स डाल के इसको, या जग बना रहे हैं तो वो फिर आपने अपने हिसाब से डालना है। इसमें याद रखिएगा 35 ग्लास बनते हैं। ठीक है, 5 ग्लास इनमें ठंडा हिंद समर रस, बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रिंक है, ये हम यहाँ पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं सोनिया, और काफ़ी अरसे बाद मेरे घर में आप आई हैं ना, तो ये सिन टीवी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। ठीक है, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हो सका तो रमज़ान में अगर मौका मिला तो मैं आपको बुलाऊंगा। बच्चे आपको देख रहे होंगे, आप उन्हें वेव कर रहे हैं, नाम भी ले नाम बता दें, यमान सुहा और मेरी 2 कज़नें, वो तो ख़ास तौर पे बोल के गई थी कि आप मुझे हाय ज़रूर करेगा, फातिमा और जैनब। फातिमा और जैनब, हेलो, हाउ आर यू, कैसी हैं, और बच्चों के क्या नाम है? सुहा यमान। सुहा यमान, आप लोग मम्मा को देख रहे होंगे, मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई हैं, इंशाल्लाह किड्स वीक करेंगे तो बच्चों को लेके आएगा, फिर मैं करूँगा किड्स वीक भी करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे, मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल 9 सुबह रिपीट चलेगा कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, रेसिपी अपलोड हो जाती है। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान का जो टाइम है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीक क्या टाइमिंग होगी, तो उस हिसाब से कल हम बना रहे हैं
फ्रोज़न पराठे। फ्रोज़न पराठे कैसे बनेंगे उसका प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगा, साथ ही हम बनाएंगे कल चाट मसाला और दही बड़ा मसाला, ठीक है। वो ईद रमज़ान की रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आते रेसिपी अपलोड थी इंदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो। यूट्यूब ते सब्सक्राइब कंदो पंहिंजो खोड़ सां रखो अलॻि जो। सुभाणे फ्रोज़न पराठा ठाहींदासीं जेको तव्हांखे सहरी जे लाइ खपंदा आहिनि, फ्रीज़ करे तव्हां रखंदो, गॾु चाट मसालो ऐं दही बड़ो मसालो ठाहींदासीं। पंहिंजो खोड़ सां ख़्यालु रखंदो, दुआनि में हथु रखंदो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।